दोस्तों, OTN फ्रेम स्ट्रक्चर का यह मेरा दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में आपने ODU, OTU, OPU के बारे में देखा। इसमें हम FEC के बारे में देखते हैं। FEC बाइट क्या है? FEC का फुल नेम होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। इसमें FEC है क्या, ये देखते हैं। FEC रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स मैथमेटिकली एट द रिसीविंग एंड ऑफ ए ट्रांसमिशन पाथ रेयर देन कॉलिंग फॉर ए ट्रांसमिट ऑफ एरर डाटा। ये कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण डाटा को पुनः प्राप्ति के लिए ट्रांसमिशन पाथ के अंत में गणितीय रूप से, मैथमेटिकली रूप से एरर को ठीक करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो FEC रेफर करता है, यानी संदर्भित करता है। रिट्रांसमिट डाटा टू करेक्ट एरर्स अवेलेबल बैंडविड्थ टू रिपीटेडली सेंड द सेम इंफॉर्मेशन एंड द यूजर परसीव्स एक्सटर्नली स्लो थ्रूपुट। ये कह रहा है कि त्रुटियों को सही करने के लिए डेटा को फिर से भेजने के लिए उपलब्ध बैंडविड्थ का उपयोग बार बार एक ही जानकारी भेजने के लिए किया जाता है, और एंड द यूजर परसीव स्लो एक्सटर्नली स्लो थ्रूपुट, और उपयोगकर्ता बेहद धीमी गति से इसे थ्रूपुट मानता है। FEC प्रोवाइड्स ए रिकवरी ऑफ द लास्ट पैकेट ऑन द रिसीविंग ब्रांच बाई जनरेटिंग एन FEC पैकेट विच इज यूज टू रिकवर द लास्ट पैकेट। FEC ब्रांच पर खोए हुए पैकेट की रिकवरी प्रदान करता है। FEC जो होता है वो प्राप्त शाखा पर, यानी ब्रांच पर खोए हुए पैकेट की रिकवरी प्रदान करता है। एक FEC पैकेट को निर्माण करने के लिए, या एक FEC पैकेट का निर्माण करके जिसका उपयोग हम खोए हुए पैकेट को पुनः प्राप्त करने के लिए करते हैं, यदि एक पैकेट लॉस हो जाता है तो आपके पास त्रुटि सुधार पैकेट यानी फॉरवर्ड एरर करेक्शन पैकेट ऑलरेडी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। वही कह रहा है कि FEC प्रोवाइड रिकवरी द लास्ट पैकेट ऑन द रिसीविंग ब्रांच by generating an FEC packet which is used to recover the last packet if a packet is missing, यदि packet missing हो जाती है, loss हो जाती है, you already have the forward error correction packet, आपके पास already मौजूद है forward error correction packet। FEC is recommended for the customer side that the experiencing loss of clarity is VoIP calls and the turn on automatically। FEC ये कह रहा है कि FEC उन ग्राहक साइटों के लिए रिकमेंडेड किया जाता है जो VoIP कॉल्स की स्पष्टता की हानि का सामना कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली टर्न ऑन यानी कि वो स्वचालित रूप से चालू हो सकते हैं। टू मेन फंक्शंस आर रिकमेंडेड रिलेटेड टू FEC। जो FEC से रिलेटेड हमारे मुख्य रूप से दो फंक्शन होते हैं, एक होता है FEC बाइट्स और इंटरलेविंग। अब हम देखते हैं प्री FEC और पोस्ट FEC क्या होती है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग प्री FEC इज द वर एट द इनपुट ऑफ द FEC डिकोडर एंड पोस्ट FEC वर इज द वर एट द आउटपुट ऑफ FEC डिकोडर। ये कह रहा है कि मेरी समझ के अनुसार जो प्री FEC वर होती है वो FEC डिकोडर का इनपुट पर बर होता है, और पोस्ट FEC जो बर होती है वो FEC डिकोडर के आउटपुट पर होता है। OTN इंटरफेस यूज FEC बर बिट एरर रेट फॉर मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द OTN लिंक। ये कह रहा है कि OTN लिंक की स्थिति की निगरानी के लिए OTN इंटरफेस प्री FEC बर का उपयोग करते हैं। ओके, प्री FEC बर आर द बिट एरर
केस बाय द अटेन्यूएशन एजिंग टेम्परेचर चेंज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। प्री एफीसी बर्फ छिड़न उम्र बढ़ने के कारण होने वाली थोड़ी त्रुटियां है ऑप्टिकल फाइबर का ताप परिवर्तन। प्री एफीसी इंडिकेट दैट द सिग्नल ऑन द ऑप्टिकल फाइबर इज एफीसी इनकोडेड। प्री एफीसी इंकित करता है कि ऑप्टिकल फाइबर पर सिग्नल है इनकोडेड। द एफीसी डिकोडर विल रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल्स बट डिपेंडिंग ऑन द प्री एफीसी बार इट विल सक्सीड टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल कंप्लीटली विदाउट एरर। ये करें कि एफीसी डिकोडर मूल सिग्नल को प्रो रिकवर करेगा यानी पुनः प्राप्त करेगा, लेकिन यह प्री एफीसी पर निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन द प्री एफीसी बार। यह मूल सिग्नल को त्रुटियों के बिना पूरी तरह से प्राप्त करने में सफल होगा। इफ द बर ऑन द फाइबर इज टू हाई द रिकवर सिग्नल विल बी कंटेन बिट एरर्स। ये कह रहा है कि यदि फाइबर पर बर बहुत अधिक है, बिट एरर रेट बहुत अधिक है, तो रिकवर्ड सिग्नल में थोड़ी त्रुटियां होगी। इफ द सिग्नल वॉज एफीसी इनकोडेड द रिमेनिंग बिट एरर्स आफ्टर द डिकोडर आर कॉल्ड पोस्ट एफीसी बर। यदि सिग्नल में एफीसी था तो डिकोडर के बाद शेष त्रुटियों को इनकोड किया गया था, इसी को पोस्ट एफीसी बर कहा जाता है। ये मेरा एफीसी के बारे में रहा, प्री एफीसी और पोस्ट एफीसी के बारे में जाना।